जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? आंसर 606 ई। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? आंसर शीलभद्रा। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान कहाँ स्थित है? आंसर हरियाणा में। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? आंसर यशोवर्मन। हर्षवर्धन का राजदरबारी कवि कौन था? आंसर बाणभट्ट। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आंसर सिद्धार्थ। महाभारत के रचयिता कौन है? आंसर वेदव्यास। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आंसर प्रयाग में। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? आंसर कन्नौज। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ? आंसर अभिज्ञान शकुंतलम। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? आंसर प्रयाग। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? आंसर 510 ई। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? आंसर एरन अभिलेख से। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर इटली। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर ओजस डेल सालाडो, अर्जेंटीना चिली। विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर एकांकागुआ। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? आंसर उत्तर प्रदेश में। रजत रंगिनी नामक ग्रंथ किसने लिखा? आंसर कलहन ने। मिहिर कुल का संबंध किससे था? आंसर उनसे। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? आंसर इटली देश के सिसिली पर। मेहरोली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? आंसर गुप्त युग में। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? आंसर शशांक। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? आंसर जापान। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? आंसर पुष्यभूतिवर्धन। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? आंसर हर्षवर्धन। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? आंसर भूमिकर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? आंसर गुप्त युग में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आंसर 415 से 454 ई। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? आंसर गुप्त युग की।
दिल्ली स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? आंसर, 4थी सदी में। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आंसर, रामगुप्त। ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैस होती है? आंसर, जल वाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड। जिस ज्वालामुखी में उद्गर कभी नहीं हुआ वो क्या कहलाता है? आंसर, शांत ज्वालामुखी। चीनी यात्री ह्वेंग सांग किसके समकालीन था? आंसर, हर्षवर्धन के। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? आंसर, 319 ई। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर, विष्णुगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ? आंसर, बयाना, भरतपुर। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? आंसर, पाटलिपुत्र, उज्जैनी। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीत कम का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर, चिकित्सा क्षेत्र से। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? आंसर, 241 वर्ष। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़ा भाग का पुनर्गठन किसने किया? आंसर, हर्षवर्धन ने। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? आंसर, उपज का छठा भाग। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? आंसर, विष्णु। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? आंसर, दिनार। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को दिया जाता है? आंसर, मौर्य युग को। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? आंसर, हर्षवर्धन। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? आंसर, हिस्टोरियन एवी स्मिथ। किस व्यक्ति को द्वितीय ओशो कहा जाता था? आंसर, हर्षवर्धन को। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आंसर, आर्यभट्ट। किस वंश के शासकों ने चांद्र की मुद्राओं का प्रचलन किया? आंसर, गुप्त वंश के शासकों ने। किस राजा ने रत्नावलिक नामक पुस्तक लिखी? आंसर, हर्षवर्धन ने। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? आंसर, जागरम ज्वालामुखी में। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आंसर, स्ट्रांबोली। किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? आंसर, ह्वेन सांग। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? आंसर, समुद्रगुप्त ने। कालडेरा किससे संबंधित है? आंसर, ज्वालामुखी से। कर्कट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? आंसर, उत्पल वंश। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है?
आंसर रजत रंगिनी। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर अंटार्कटिका महाद्वीप में। अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया? आंसर अवंती वर्मन ने। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? आंसर ब्राह्मी। रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? आंसर 7। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? आंसर बाणभट्ट।